संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली की राजनीति से आए बड़े समाचार। दादरा नगर हवेली के अपक्ष के सांसद मोहन डेलकर ने किया जेडीयू के साथ गठबंधन। सांसद मोहन डेलकर विधिवत रूप से जेडीयू के साथ जुड़े एवं गठबंधन की घोषणा की। मोहन डेलकर 7 टर्म से दादरा नगर हवेली के सांसद रह चुके हैं। मोहन डेलकर इससे पहले भी अपक्ष और कांग्रेस पार्टी से खड़े होकर सांसद बन चुके हैं। मोहन डेलकर बीते लोकसभा चुनाव के पूर्व ही दादरा नगर हवेली की कांग्रेस पार्टी से अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर अपक्ष चुनाव लड़े थे। मोहन डेलकर के जेडीयू के साथ गठबंधन करने से प्रदेश की राजनीति में मची खलबली। आने वाले समय में दादरा नगर हवेली, दमण और दीव के स्थानीय स्वराज के चुनावों में जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा। स्थानीय स्वराज के चुनावों में अब प्रदेश में भाजपा कांग्रेस के साथ जेडीयू और मोहन डेलकर के गठबंधन से अब त्रिकोणीय जंग होगी। बिल्कुल ही हमें निर्णय ले ली दूसरे कि जनता दल यू दादरा नगर वाली दमन दीव हमारी साथ प्रदेश प्रमुख धर्मेश भाई पण छे अने अमे परमिशन अमने मिली गई छे अमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अने बिहारना मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने तरफ से अमने परमिशन मिली गई छे। अमने आदेश पण करी दीधो छे, आदेश ने लगता जेटला पण तमाम कागळों छे जे प्रशासन में अमारे आपवाना छे, टिकिट माटेना, सिम्बल माटेना, अने एना माटे धर्मेश भाई ने ऑथोराइज पण करी दीधा छे। धर्मेश भाई ने ए बाबतनी परमिशन पण आपी दीधी छे, एटले निर्णय बिल्कुल पाका पाये थई गयो छे। अने आवता दिवसों में जिला पंचायत, नगरपालिका अने ग्राम पंचायत की चूंटणी जनता दल यूना बेनर हेठ अने जनता दलना सिम्बल ऊपर ज लड़सू, फाइनल निर्णय थई गयो छे। खाली सेलवासा में कि दमणमां पण दादरा नगर में दमण दीव बंने जगह अमे कोशिश कर दादरा नगर में फैसलो थई गयो छे, दमण दीव में पण अमारी कोशिश छे कि त्यां पण जिला पंचायत अने नगरपालिकानी चूंटणी जनता दल यूना बेनर ऊपर अमे लड़सू अने तीरना निशान ऊपर लड़सू, ए पण अमे विचार करी रह्या छे। आपनो एलायंस कई रीते थयुं छे अने एमां कई रीतनी शरतो छे? કોઈ એમાં કોઈ શરત નથી, પ્રદેશના હિતમાં, પ્રદેશના લોકોના હિતમાં, લોકતાંત્રિક એક વ્યવસ્થા મજબૂત બને આ પ્રદેશમાં એને ધ્યાનમાં રાખીને આ એલાયન્સ બન્યું છે। સર આપણે કહા કે લોકસભા ખાસ કરીને કયા એવા મુદ્દાઓ છે કે જેને તમે તમારી પક્ષ ઉમેદવારની સાંસદ વખતે પણ ઉઠાવેલા એ પૂરા નથી થયા અને હવે તમે એ મુદ્દા પાછા પણ ઉઠાવવાના છો? બિલકુલ બિલકુલ સાચી વાત છે, પ્રદેશ હિતના તમામ મુદ્દાઓ જે મેં ઉઠાવ્યા છે પાર્લામેન્ટમાં એ પણ આવતા દિવસોમાં ઉઠાવશું અને આવતા અત્યાર સુધી તો મેં એકલાય ઉઠાવ્યા છે, હવે પછીથી મારી સાથે જનતા દલ યુ પૂરી પાર્ટી સાથે હશે, 18 એમપી જનતા દલના મારી સાથે હશે, રાજ્યસભાના 5-7 એમપી મારી સાથે હશે અને જે એનડીએના એક મજબૂત પાર્ટનર છે બિહારના મુખ્યમંત્રી આદરણીય શ્રી નીતીશ કુમારજીનો મને સહકાર હશે, તો મને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે જે મેં મુદ્દા ઉઠાવેલા છે એ મુદ્દાનો એક સકારાત્મક નિરાકરણ થશે અને એના કરતાં પણ એક કદમ હું વધારે કહીશ તમને કે આજે જે પ્રદેશમાં જે પ્રશાસનની જે લોક જે મનમાની ચાલી રહી છે એની સામેમાં અવાજ ઉઠાવશું। પ્રદેશ આજે આખો દેશ આપણો લોકશાહી ઢબે ચાલે છે તો શા માટે અહીંયા લોકશાહી નથી, શા માટે અહીંયા મનમાની છે? લોકશાહી બહાલ થાય આ પ્રદેશમાં એ મારો મુખ્ય મુદ્દો હશે અને જનતા દલ યુ ધર્મેશભાઈ અને અમારી સેન્ટ્રલ લીડરશીપને પણ આ એક મુખ્ય મુદ્દો હશે। સરકાર ઇલેક્શન કમિશન જો નિર્ણય લે, યદિ વો કાનૂન કે કાનૂન પ્રક્રિયા કે તહત સહી હૈ તો હમે મંજૂર હોગા, કાનૂન પ્રક્રિયા કે તહત નહીં હોગા તો હમ યે ભી સોચેંગે કે ઉસકો હમ ચેલેન્જ કરેં, નંબર વન। નંબર ટુ, અબ હમને ફૈસલા કર લિયા જનતા દલ યુ કે સાથ એલાયન્સ કરકે ચુનાવ લડને કા, તો બહોત અચ્છા હોગા કે હમ તીર કે નિશાને પે લડેંગે। यदि ऐसी कोई स्थिति आई कि हम और कोई सिंबल से लड़ने की अब हमें लड़ने की जरूरत हुई तो भी हमें कोई चिंता नहीं है, हम लोगों को कन्विंस करेंगे, आपको हम बता दें सबको कि हमने पिछला लोकसभा का चुनाव 15 दिन में बैट्समैन के जब सिंबल पे हमने ना सिर्फ लड़ा हमने जीता और प्रदेश के 90,000 वोट हमने लिए, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो चुनाव में जाने का और चुनाव में लोगों को कन्विंस करने का हमारी जो प्रक्रिया है उसके बारे में आप अच्छे से परिचित हो, तो हमारे लिए सिंबल तीर ही चाहिए। हमें किसी कठिन परिस्थिति में यदि ये स्थिति बनती है तो और कोई सिंबल से लड़ना है तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। कर ने यह स्टेटमेंट दिया था कि मैं समस्या समाप्त करके कोई निर्णय लूंगा,
और वो चाहे रिजिग्नेशन भी देना पड़े तो मैं दे दूंगा। मुझे कोई सत्ता का मोह नहीं है, पद का मोह नहीं है। मैं तो लोगों के लिए जीतता हूँ, लोगों के लिए चुनाव लड़ता हूँ। यदि मैं लोगों की समस्या हल नहीं कर पाऊँ तो यह पद मेरे लिए किस काम का, उसको सोच के मैंने स्टेटमेंट दिया था। यदि समस्या वही की वही है, प्रशासन की मनमानी वही की वही है, लोग परेशान हैं, तो क्या मैं मैदान छोड़ के चला जाऊं? फिर हमारे प्रदेश के लोग कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? लोग मुझे ऐसा कहेंगे कि मोहन डेलकर ने हमारे साथ विश्वासघात कर दिया और हमें तकलीफ में छोड़ करके वो चले गए। ऐसा काम तो मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं भी वह व्यक्ति का बेटा हूँ जो इस प्रदेश के स्वतंत्र सेनानी थे और प्रदेश के प्रथम MP थे, संजीव भाई रूपजी भाई डेलकर, उसका मैं बेटा हूँ। मेरा संस्कार है कि मैं जो विश्वास देता हूँ, जो लोगों को वादा करता हूँ, वो निभाने की भरपूर कोशिश करता हूँ, अंत तक मैं संघर्ष करता हूँ। ये मेरा मेरे पिताजी का मेरा संस्कार है। तो मैं मैदान छोड़ने वाला नहीं हूँ, ये आप समझ लीजिए। मैं आपके द्वारा लोगों को भी बताने वाला हूँ। हाँ, समय आएगा छोड़ के चला जाऊँगा, लेकिन लोगों की समस्या हल करके जाऊँगा। आधा मैदान छोड़ के नहीं जाऊँगा। मुझे पद का कोई मोह नहीं है। ये तो मेरी 7वीं टर्म है। लोगों ने मुझे 6 बार MP 7वीं बार बना दिया। मुझे पद से कोई पद लेके चिपक के बैठो ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ मैं। सर, जनता के बीच रमन भाई ने वो प्रधानमंत्री आवास योजना में तो हमारे प्रमुख ने आवाज इसलिए उठाई कि वहाँ यदि गलत प्रक्रिया हुई है, ठेके दिए गए हैं, ठेकेदार को लाया गया है, करप्शन का वहाँ देखने को मिला है, इस बात को लेकर उन्होंने आवाज उठाई। उन्होंने ये कहा कि भारत सरकार की जो गाइडलाइन है कि सीधा जो बेनिफिशियरी है उसके खाते में पैसे जाने चाहिए और वही खर्चा करे और वही घर बनाए, तो फिर ठेके देने की बात कहाँ आई? क्यों ठेके दिए गए? क्यों ठेकेदार को काम दिया गया? वो गलत प्रक्रिया हुई थी, उसके बारे में रमन भाई ने आवाज उठाई है। तो हम तो लोगों के बीच में ये कहने जाएंगे कि गलत प्रक्रिया की और ठेकेदार को बीच में रखा। तो हमारे वो तो प्रशासन का फैसला था और प्रशासन के फैसले के सामने रमन भाई ने आवाज उठाई थी। सर, कौन से मुद्दों से जनता के बीच में जाएंगे? कोई अहम मुद्दा ना मैंने बोल दिया।